हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल की मिठाई। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। घी के मेल्ट होने पर अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चावल का आटा। चावल के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए आटे को भून लेंगे। ये देखिए, चावल का आटा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। और 1.5 कप दूध। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। दो मिनट बाद ही देखेंगे ये थिक होने लगा है। अभी हमें इसको और पकाना है। हमें इसे पकाते हुए एक डो की फॉर्म में लाना है। अब हमारा आटा तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर कलर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको अलग प्लेट में रख देते हैं। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे। इसमें हम डालेंगे येलो फूड कलर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमारे दोनों पार्ट तैयार हैं। अब हम मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम येलो पार्ट से एक छोटी बॉल बनाएंगे और दूसरे पार्ट में इस बॉल को फिल कर देंगे। ये देखिए, हमारी मिठाई तैयार है। इसी तरह हम एक और बना लेते हैं। इसी तरह हम सारी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे।
ये देखिए हमने सारी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको डेकोरेट कर देते हैं कुछ किशमिश से। और ये देखिए हमारी सारी मिठाई तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।